अब बात वंदे भारत एक्सप्रेस की। वंदे भारत एक्सप्रेस से नफरत की एक और तस्वीर सामने आई है और इस बार घटना घटी है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया है। ट्रेन फुल स्पीड में थी जिस वक्त ये पथराव किया गया। अटैक में ट्रेन के E1 कोच का शीशा टूट गया और कई जगह खरोंच के निशान भी है। इस घटना के बाद अब प्रशासन एक्शन में है। तुरंत दिल्ली से RPF की स्पेशल टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है। पत्थरबाजों की तलाश में छानबीन तेज कर दी गई है और कल शाम 7 बजे के बाद की यह घटना बताई जा रही है। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने घटना का वीडियो बनाया। गनीमत ये रही कि किसी यात्री को इस दौरान चोट नहीं आई। यह हमला उस वक्त किया गया जब ट्रेन कुछ मिनटों में मुजफ्फरनगर पहुंचने ही वाली थी। ऐसे में अब रेलवे प्रशासन एक्शन मोड में है, हमलावरों की पहचान कर रहा है, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक्टिव हो गया है। वंदे भारत ट्रेन पर उस वक्त अटैक किया गया जब ट्रेन अपने फुल स्पीड से दौड़ते हुए मुजफ्फरनगर पहुंचने वाली थी। उससे पहले कोच को टारगेट कर पत्थर फेंके गए। इसमें E1 कोच का शीशा टूट गया और कई जगह पत्थर फेंकने के निशान भी ट्रेन पर दिखाई दे रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन पर इस साल अगर केवल जनवरी के ही महीने से लेकर अब तक की बात की जाए तो पत्थरबाजी की ये 8वीं घटना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी साजिश के तहत बार बार वंदे भारत एक्सप्रेस को निशाना बनाया जाता है, बार बार उन पर पथराव किया जाता है। जनवरी में विशाखापट्टनम में ट्रेन पर अटैक किया गया जब ट्रेन खचाखच मतलब अपने रख रखाव के लिए खड़ी हुई थी, माफ कीजिएगा उस वक्त मेंटेनेंस के लिए वो ट्रेन खड़ी हुई थी और तब उस पर अटैक कर दिया गया। जनवरी में ही दार्जिलिंग में वंदे भारत को निशाना बनाया गया और इसी महीने मालदा में भी खड़ी वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। फिर खबर मुर्शिदाबाद से आई, वहां पर सटे फरक्का में पत्थरबाजी की घटना घटी। अप्रैल में एक बार फिर विशाखापट्टनम में अटैक हुआ तो मई में 2 बार केरल में वंदे भारत पर पत्थर बरसाए गए और अब उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना का दोहराव हम देख रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।